नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय के नर्मदा कॉलेज में शुक्रवार शाम को दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद में लात घूंसे क्रिकेट बैट स्टंप से युवकों ने एक दूसरे की पिटाई की। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के युवक घायल हुए हैं। शिकायत करने कोतवाली थाने पहुंचे पुलिस ने एक एक करके दोनों पक्ष के युवकों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। दोनों पक्षों की शिकायत पर मारपीट का काउंटर केस दर्ज किया गया है। आपको बताते चले, यह पूरा विवाद नर्मदा कॉलेज के ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने व सेना पुलिस की भर्ती की प्रैक्टिस करने वाले युवकों के बीच हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक छात्र के साथ बीटीआई तरफ रहने वाले कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट में युवक को चोटें आई। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि आयुष पिता मुकेश यादव के साथ आरोपी हर्ष राजौरिया, अभिषेक राजौरिया, कमलेश संतोरे और एक अन्य साथी ने मारपीट की। इसी तरह फरियादी हर्ष राजौरिया के साथ देवा कार्तिक कुछ बंदिया, आयुष यादव, अभिषेक मीना ने मारपीट की। देर शाम को दोनों पक्ष के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं मारपीट में एक छात्र घायल भी हुआ है।